जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोटॉक यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। दोस्तों, भगवान शिव की आराधना करने के लिए सोमवार मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। माना गया है कि इस दिन लोग सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं और उनसे मनचाहा वरदान जो है पाने की प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के लिए उत्सव के रूप में मनाया जाता है इस दिन को। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप जो है सोमवार के दिन या फिर इसे आप अगर महाशिवरात्रि के दिन भी करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी हर राशि वालों को कैसे भगवान शिव की पूजा करनी है, चलिए आपको जल्दी से इस बारे में बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं मेष राशि वालों के बारे में। तो मेष राशि के लोगों को फूल अर्पित करना चाहिए भगवान शिव को। शिव जी को फूल चढ़ाने से स्वास्थ्य और रोजगार की जो आपके जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। दूसरी राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों को भगवान शिव पर दही और जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव जो है आपकी लाइफ में संपन्नता लेकर आएंगे और अगर आप शादीशुदा हैं तो हैप्पी मैरिड लाइफ का आपको वरदान मिलेगा। तीसरी राशि है मिथुन यानी जेमिनी वाले। तो अगर मिथुन राशि की बात करें तो इन लोगों को शिव जी को जो है वो बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र में छेद ना हो, टूटा नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। ऐसा करने से आपको करियर की से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, या आप अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। अब चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि के लोगों को भगवान शिव को जो है दूध मिलाकर जल में और यानी दुग्ध मिश्रित जल जो है आपको अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव आपके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर जो अचानक से एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उससे आपको बचाएंगे। पांचवी राशि पर चलते हैं जो कि है सिंह राशि। तो सिंह राशि के लोगों को भगवान शिव को गन्ने का रस अर्पित करना चाहिए। जी हाँ, ऐसा करने से भगवान शिव जो है वो खुश होते हैं और आपको संपन्नता देते हैं। साथ ही आपको जो है संतान सुख, अगर आप बच्चे की कामना करते हैं तो आपको संतान सुख का भी भगवान वरदान देते हैं। अब बात करते हैं छठी राशि की जो है कन्या राशि। तो कन्या राशि के लोगों को भगवान शिव को धतूरा चढ़ाना चाहिए और भांग चढ़ाना चाहिए। ऐसा करते हैं तो आपके लाइफ में अगर टेंशन है वो टेंशन खत्म हो जाएगी और लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। अब अगली राशि है तुला। तो तुला राशि के लोगों को भगवान शिव पर जो है अगर आप जलाभिषेक करने जा रहे हैं तो आपको जो है सुगंध अर्पित करना चाहिए, इत्र या सुगंध अर्पित करना चाहिए। इस उपाय से भगवान जो है अगर आप शादी से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम है वो दूर कराएंगे और आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। तो इन लोगों को जो है भगवान शिव को अबीर या गुलाल जो है अर्पित करना चाहिए। ये अगर आप करते हैं तो आप बहुत आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस उपाय से आपकी लाइफ में कोई अगर आप कोर्ट केस चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़े हैं, कोई टेंशन है वो दूर हो जाएगी। अब अगली राशि है धनु। तो धनु राशि वालों की बात करें तो इन्हें शिव जी पर के सामने जो है वो घी का दीपक जलाना चाहिए और आरती करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इससे आपके हर काम में आपको सक्सेस मिलेगी। कोई काम बनते बनते जो है वो बिगड़ जा रहा है तो वो काम में आपकी जो है आपको तरक्की मिलेगी, कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। अब अगली राशि है मकर। तो मकर राशि के जातकों को शिव जी को तिल और जल अर्पित करना चाहिए। इससे संतान सुख में उत्पन्न परेशानी से छुटकारा मिलता है और इस उपाय से संतान पक्ष और अगर आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको सुधार होने लगे, यानी बच्चों से रिलेटेड और शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम सुधर जाएगी। अब अगली राशि है कुंभ। तो कुंभ राशि वालों को शिव जी को जो है उन्हें बेलपत्र अर्पित करना चाहिए और जल अर्पित करना चाहिए। इस उपाय से आपको मानसिक शांति मिलेगी और जो आपका अगर गुस्सा आता है तो गुस्से पे आप कंट्रोल करेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे आप इस उपाय को करने से। तो ये उपाय करना है कुंभ वालों को। अब सबसे आखिर राशि की बात कर लें जो है मीन राशि। तो मीन राशि के लोगों को शिव जी को चंदन अर्पित करना चाहिए। जी हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो मीन राशि के लोग अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यू होता है तो आपका वो दूर हो जाएगा, आपका हेल्थ बहुत सही रहेगा और धन की कमी नहीं होगी, पैसों की कमी नहीं होगी, यानी स्वास्थ्य और धन दोनों मिलेगा। तो हमने आपको राशि अनुसार बताया कि शिव जी पर कैसे उनकी पूजा करनी है, क्या अर्पित करना है। उम्मीद करते हैं राशि विशेष इस वीडियो में आपको दी गई जो इन्फॉर्मेशन है पसंद आई होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड की जाती हैं जो छोटी होती हैं, आपका समय कम लेते हैं और साथ ही आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी देती हैं। तो ये जो हमने आपको इस वीडियो में शिवजी से जुड़ी जानकारी दी, ये इसे आप महाशिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं और आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। यानी इस तरीके से हर राशि के जातकों को अर्पित करना है वो चीज़ शिवजी पर जो हमने आपको बताई है इस वीडियो में। तो अगर अच्छी लगी जानकारी तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रो टॉक यूट्यूब चैनल। नमस्कार।